नमस्कार दोस्तों, कहा जाता है कि लोग कुछ धार्मिक लोग पेड़ों की पूजा करते हैं, लेकिन पेड़ों की पूजा क्यों करते हैं जानिए इस वीडियो के दौरान। कहते हैं कुछ मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि पेड़ों की पूजा इसलिए भी की जाती है क्योंकि पेड़ हमें फल, ऑक्सीजन, तने और फूल भी देते हैं, जिस प्रकार से उनकी प्रशंसा भी की जाती है। कई लोग उनकी पूजा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं और कुछ अपनी खुशी पाने के लिए भी पेड़ों की पूजा करते हैं। ज़्यादातर पेड़ पीपल या बरगद, इन पेड़ों की ही पूजा की जाती है। जानिए इस वीडियो के दौरान कि पूजा पेड़ों की क्यों की जाती है। पुराण के अनुसार कहा जाता है कि जब राक्षसों ने विष्णु पर आक्रमण कर दिया था, तब विष्णु पीपल के पेड़ में जाकर छिप गए थे। तो कहा जाता है कि बिना मूर्ति या बिना किसी भी तस्वीर के अगर आपको पूजा करनी है तो आप पीपल के पेड़ की पूजा कीजिए, क्योंकि पीपल के पेड़ की पूजा करना इसका मतलब है कि आप विष्णु भगवान की ही पूजा और आराधना कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है यदि कोई पेड़ की पूजा करता है तो वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिमूर्तियों का आशीर्वाद उन्हें एक साथ ही मिल जाता है। इसलिए भी कहा जाता है कि अगर आप पेड़ों की पूजा करते हैं तो तीनों देवों का आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। कुछ लोगों का मानना है कि पेड़ की बनावट कुछ इस प्रकार होती है कि उसका सीधा संबंध लोक, पाताल और स्वर्ग तीनों से होता है। इसलिए भी कहा जाता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को पेड़ पर चढ़ाते हैं तो इससे वह चीज़ आपको पाताल, स्वर्ग और तीनों लोकों में पहुंच जाती है। पेड़ों से संतों का भी संबंध माना गया है। कहते हैं मार्कंडेय जो कि अपने आप को उन्होंने पेड़ों की शाखाओं में छुपा दिया था, जो बुद्ध भगवान यानी कि उनकी मृत्यु और उनके जन्म से जुड़ी हुई है, इसलिए भी पेड़ को पवित्र मानकर उनकी पूजा की जाती है। लंबे वैवाहिक जीवन के लिए कुछ कुंवारी लड़कियाँ पीपल के पेड़ पर 108 बार कलावा बांधकर उसके चारों ओर परिक्रमा लगाती हैं ताकि उनका पूरा वैवाहिक जीवन लंबा गुजरे और सुख से गुजरे। इसलिए वह मिट्टी का दीपक भी पीपल के पेड़ के आगे ही जलाकर और अपने जीवन की शुभकामनाएं मांगती हैं। कुछ पेड़ों को पवित्र इसलिए भी माना जाता है क्योंकि उस पेड़ की पत्तियां, फूल या फल भगवान को चढ़ाए जाते हैं, इसलिए भी उन पेड़ को पवित्र माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। तो ये थे वह कारण जिसके कारण पेड़ों की पूजा की जाती है। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।